तो सबसे पहले मैं आपको टैपिंग का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आपको किस तरह का वर्क दिया जाएगा तो रिसेंटली मुझे एक टैपिंग का प्रोजेक्ट मिला था तो क्लाइंट ने मुझे पी में प्रोजेक्ट सेंड किया था पी में ये प्रोजेक्ट है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये देखें कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट होगा ये हैंड रिटर्न टेक्स्ट है असला दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे सिंपल टैपिंग का वर्क करके किस तरह से एक दिन के पंद्रह डॉलर से बीस डॉलर तक ईजिली घर बैठे अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास भी टैपिंग के स्किल्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है तो आगे जाकर मैं आपको फ्री लांसर पे सिंपल टैपिंग के वर्क के बारे में बताता हूँ आप फ्री लास्टर से टैपिंग का वर्क लेकर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि भी आप कोई ट्रस्टेड टाइपिंग की वेबसाइट के बारे में बताएं जिससे हम अपने कंप्यूटर पे थोड़ी देर टाइपिंग करके अर्निंग कर सकें तो रिसेंटली मुझे टाइपिंग का एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी भी मिला था मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं किस तरह से आपको टाइपिंग के वर्क दिया जाएगा और किस तरह से आपने कम्प्लीट करना है और किस तरह से प्रपोजल सेंड करना है किस तरह से कैश को विद्रा करवाना है तो सारा तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें इसके बाद चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब पे प्रेस करके और साथ में दे गए घंटे के बटन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू न्यूडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ हमें तो आज मैं आपको स्टेप स्टेप सा तरीका बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे सिंपल टैपिंग का वर्क करके किस तरह से एक घंटे के पंद्रह डॉलर से बीस डॉलर तक ईजिली घर बैठे अर्न कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लाइव में प्रोजेक्ट दिखाऊंगा किस तरह के टैपिंग के प्रोजेक्ट मिलते हैं इसके बाद मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह से टैपिंग का वर्क सर्च करना है और इसके बाद आपने किस तरह से टैपिंग की जॉब के लिए प्रपोजल सेंड करके प्रोजेक्ट को लेना है तो सारा तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मुझे बहुत से लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि पेमेंट मेथड के बारे में बताया करें मैंने इस पे वैसे अलहदा से वीडियो बनाई हुई है बार बार आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इससे वीडियो लेंथ ही हो जाती है तो सबसे पहले मैं आपको टैपिंग का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आपको किस तरह का वर्क दिया जाएगा तो रिसेंटली मुझे एक टैपिंग का प्रोजेक्ट मिला था तो वो मैंने प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है तो क्लाइंट ने मुझे पीडीएफ में प्रोजेक्ट सेंड किया था पीडीएफ में मुझे प्रोजेक्ट है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं ये देखें कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट होगा ये हैंड रिटन टेक्स्ट है तो क्लाइंट ने मुझे कहा था कि अभी ये हैंड रिटन टेक्स्ट आप मुझे एम एस वर्ल्ड में टाइप करके दें तो यह प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने में मुझे छः दिन लग गए थे छः दिनों में मैंने यह प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिया था क्योंकि यह पूरी बुक है तो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के मुझे साठ डॉलर मिले थे ठीक है भाई तो अगर आपके पास टाइपिंग के स्किल है तो आप ये प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने सिंपली इसी टेक्स्ट को एम एस वर्ल्ड में टाइप करके देना है अगर हम इस पी फाइल को एम एस वर्ल्ड में चेंज करने के लिए कोई ऑनलाइन टूल का यूज़ करें तो ऑनलाइन टूल हैंड रिटन टेक्स्ट को चेंज नहीं करती तो इसलिए जहरी सी बात आप आपको ये टेक्स्ट एम एच वर्ल्ड में खुद टाइप करके देना पड़ेगा अगर आपके पास टैपिंग की स्किल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं आप यहाँ से प्रोजेक्ट लेकर किसी टैपिंग वाले बंदे को बुला लेंगे आप उसको भी ये काम देकर आप प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करवा सकते हैं हाफ पैसे आप उसे दे देना हाफ पैसे आप खुद रख लेना इस तरह से ये काम और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि भी टैपिंग का पता किस तरह का प्रोजेक्ट होता होगा ये वो ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ आपको इस तरह की पिक्चर भी कलंट सेंड कर सकता है मुझे तो पी में सेंड किया था इस तरह की आपको पिक्चर भी सेंड कर सकता है ठीक है भी भी जिस तरह का भी आपको डाटा दिया जाए आपने ऐसा करना है आपने उसी डाटा को पहले प्रिंट निकलवा लेना है आपने आपने कॉपीज सामने रख लेनी है और आपने उनको एम एस में टाइप करना स्टार्ट कर देना है अगर हम ऐसे यहाँ पे टाइप करें इससे मुश्किल होती है क्योंकि बार बार देखे और बार बार उधर टाइप करें इससे एक तो टाइम वेस्ट होता है ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने टाइपिंग का वर्क किस तरह से फाइंड करना है और किस तरह से आपने प्रपोजल सेंड करना है तो आज मैं आपको फ्री ला पे टाइपिंग के वर्क के बारे में

के भी आप फ्री लासर पर अपनी प्रोफाइल किस तरह से कम्प्लीट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि भी फ्री लास्टर पर काम करने के लिए लिमिटेड बिद दी जाती है लिमिटेड बिद के बाद वो पैसे मांगता है तो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था अगर आप अपनी प्रोफाइल हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट करेंगे तो आपको अनलिमिटेड बिद दी जाती है क्योंकि प्रोफाइल कम्प्लीट करने के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल कम्प्लीट नहीं करेंगे तो आपको जहरी सी बात है लिमिटेड पॉइंट्स जाएंगे और उन पॉइंट्स की आपको बिड्स दी जाएंगी तो पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है इसके बाद आपको अनलिमिटेड बिड्स दी जाएंगी आप जितने प्रपोजल सेंड करें कर सकते हैं अगर आप ये काम अपने मोबाइल पे करना चाहें तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं सिंपली आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है आपने प्ले स्टोर में सर्च करना है फ्री लांसर फ्रीलांसर की अप्लीकेशन आ जाएगी उसी अपलिकेशन को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू प्रोजेक्ट को पकड़ सकते हैं प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं और आप को जस्ट हम फ्रीलांसर से टाइपिंग का प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप उन प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं ठीक है भाई तो सिंपली आपने साइन अप पे प्रेस करके पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं सिंपली लॉग इन पे प्रेस करता हूँ दोस्तों लॉग इन पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये यह ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है आपने अपना ई और पासवर्ड देना है इसके बाद आपने लॉग इन पे क्लिक करना है दोस्तों लॉग इन पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं मेरा का अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा आपका अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा ये देख सकते हैं फ्रेंड मेरा यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेना क्या आपकी प्रोफाइल हंड्रेड परसेंट है तो मेरी ये प्रोफाइल अभी फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट है क्योंकि मैंने ये अकाउंट जस्ट आपको समझाने के लिए वीडियोस के लिए बनाया हुआ है जो मेरा मेन और ओरिजिनल अकाउंट है वो और है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिस टाइम आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट फ्री मेंबर वाला अकाउंट क्रिएट करें क्योंकि जस्ट टाइम हम साइन अप पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं प्रीमियम अकाउंट फ्री मेंबर अकाउंट आप फ्री मेंबर वाला अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे ठीक है क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है ब्राउज़ आपने ब्राउज़ पे प्रेस करना है बरूस पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स आपने प्रोजेक्ट्स पे प्रेस करना है दोस्तों मैंने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो ये चीज़ ओपन हो गई है यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्केल तो सबसे पहले आपने अपने स्केल्स ऐड कर लेने हैं जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग डाटा एंट्री एक्सेल एम एस वर्ल्ड पी डी एफ कापी टाइपिंग यहाँ पे ये स्केल्स ऐड किए हुए हैं तो स्केल्स के ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल स्केल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट प्रोफाइल स्केल्स पे दोस्तों एडिट प्रोफाइल स्केल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्केल्स की लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे ये स्केल्स की सब कैटेगरी शो हो रही है सपोज़ किया आपके पास राइटिंग एंड कंटेंट के स्केल्स हैं सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइटिंग एंड कंटेंट पे इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये राइटिंग एंड कंटेंट के सब कैटेगरी शो हो रही है तो जो जो आपके पास स्केल्स हों यहाँ से आप स्केल्स को चेक करते जाएंगे जो स्केल आप यहाँ पे चेक करेंगे वही स्केल यहाँ पे ऐड हो जाएगा ठीक है अभी तो मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री एंड टैपिंग के स्केल्स ऐड किए हुए हैं तो सिंपली ये देख सकते हैं जो जो स्केल्स मैंने ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे चेकड हैं जो स्केल मैंने ऐड नहीं किए हुए हैं वो यहाँ पे अनचेक्ड है तो इस तरह से आपके पास जो भी स्केल्स हों बेशक आप टैपिंग का काम नहीं करना चाह रहे आपके पास किसी और चीज़ के स्केल्स हैं लोगो डिज़ाइन के स्केल्स हैं या बैनर डिजाइन के जो भी स्केल्स हों आपके पास आप उन स्केल्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे

जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाली जॉब है ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग प्रोजेक्ट ठीक है भाई ये एम एस वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है सिंपल सा प्रोजेक्ट है अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लिखा है हेलो टू 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 ऑल द ओनली अलाउड बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट और हु हैव ऑफ एंट्री एंड अदर्स तो ये बंदा कह रहा है कि मुझे वो बंदा बिड सेंड करे मतलब प्रपोजल सेंड करे जिसके पास डाटा एंट्री टैपिंग के स्केल्स हों अगर हुआ है इट इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग इमेज टू वर्ल्ड ठीक है अभी ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये कह रहा है कि मेरे पास इमेज है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने उस टेक्स्ट को एम एस वर्ल्ड में चेंज करके देना है अगर हम इस जॉब की स्किल्स की बात करें तो आपके पास कॉपी टाइपिंग की स्किल होना चाहिए डाटा प्रोसेसिंग डाटा एंट्री एम एस वर्ल्ड टाइपिंग है ठीक है अभी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के आपको ढाई सौ टू साढ़े पाँच सौ डॉलर दिए जाएंगे ठीक है अभी तो हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और इसको हम प्रपोजल भी सेंड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है तो इस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और हम इसको प्रपोजल भी सेंड कर देते हैं दोस्तों मैंने प्रोजेक्ट को न्यू टैब पे ओपन कर लिया ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने से पहले आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड कर लेनी है इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है यहाँ पर यह लिखवा है बी डी डिटेल्स आपने यहाँ पे अपनी प्राइस लिखनी है आप ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट करके देंगे तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पे मिनिमम प्राइस दें ताकि आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाए तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 350 इसके बाद ये लिखा है डिस्क्राइब योर प्रपोजल यहाँ पे आपने प्रपोजल टाइप करना है तो प्रपोजल टाइप करते वक्त बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो मैंने एक अच्छा सा प्रपोजल टाइप किया हुआ है अगर आपको प्रपोजल टाइप करना नहीं आता तो सिंपली आप इस प्रपोजल को देख लें आप इस तरह का प्रपोजल टाइप करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं तो मैंने इस प्रपोजल को यहाँ कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेश कर देता हूँ ठीक है भाई इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं करना ये नीचे लिखा हुआ है प्लेस बिड आपने प्लेस बिड पे प्रेस करना है दोस्तों प्लेस बिड पे मैंने क्लिक किया तो हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सेंड हो जाएगा ये देख सकते हैं ये टॉप पे हमारा प्रपोजल शो हो रहा है जो अभी हमने प्रपोजल क्लाइंट को सेंड किया है और यहाँ पे ये नीचे और लोगों के प्रपोजल शो हो रहे हैं ठीक है भाई जिस टाइम प्रोजेक्ट की लिमिट पूरी हो जाएगी इस क्लाइंट ने अपना टारगेट सेट किया हुआ होगा भाई जिस टाइम यहाँ पे सौ प्रपोजल हो जाए तो ये जॉब ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए तो जिस टाइम क्लाइंट ट की ये लिमिट पूरी हो जाएगी तो क्लाइंट सब के प्रपोजल को रीड करेगा और उनकी प्रोफाइल देखेगा अगर क्लाइंट की जॉब आपके प्रपोजल और आपकी प्रोफाइल से मैच हो जाती है तो आपको हंड्रेड परसेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप अपनी प्रोफाइल हंड्रेड परसेंट कंप्लीट करें इसके बाद आप अच्छा सा प्रपोजल टाइप करके क्लाइंट को सेंड करें आपको बहुत जल्द यहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लेकर टाइपिंग वर्क अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लिखवाए टैपिंग वर्क कन्वर्ट टू नोट पैड फ्रॉम जे ये बंदा कहता है कि अभी मेरे पास नोट में फाइल है आप उस नोट फाइल को जेपीजी में चेंज करके दें ठीक है भाई ये भी बहुत ही आसान सा काम है तो आपने सिंपली ऐसा करना है एक टूल है उस टूल का यूज़ करके आपने आप किसी भी नोट पैड फाइल को जे पी जी में चेंज कर सकते हैं अगर उस टूल के थ्रू भी नोट पैड फाइल जे पी जी में चेंज ना हो सके तो सिंपली आपने ऐसा करना है फाइल वाले टेक्स्ट को कॉपी करके एम एस वर्ल्ड में पेस्ट कर देना है एम एस वर्ल्ड से जेपी जी में आप आसानी से पिक्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये नीचे से खेल दिखवाई शोरें अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो वन सेवेंटी टू फाइव टेन डॉलर इसकी प्राइस है ठीक है भाई इसके बाद ये लिखा नीड टाइपिंग ये भी टैपिंग का प्रोजेक्ट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आई नीड यू टू फिल इन द स्प्रेड शीट विद द डाटा ठीक है भी इसके लिए एक्सेल और एम एस वर्ल्ड के स्केल होने चाहिए इसकी जो प्राइस है वन डॉलर टू फाइव डॉलर है ठीक है अभी यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं ये सारे के सारे टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं आप वन बाय वन सब को प्रपोजल सेंड करते जाएंगे आपको एक हफ्ते से पहले या एक घंटे में ही आपको काम मिल सकता है या आपके लक पे डिपेंड करता है क्योंकि अगर आप अपनी हंड्रेड परसेंट प्रोफाइल सेट करेंगे और अच्छा सा प्रपोज़ल टाइप करके यहाँ पर सेंड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको यहाँ से बहुत जल्द प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और अन्य की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बुल गुलके जी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें शुक्रिया फ्रेंड